हे व्हाट्सअप गाइस, हम वापस आ गए हैं। हमारा सफ़र श्रीनगर तक कल हो गया था। उसके बाद हम पहुँचे हैं अपने केदारनाथ। ये है गौरीकुंड। गौरीकुंड तक ही हम आ सकते हैं। गौरीकुंड तक हम बाइक से अपने किसी भी चीज़ से आ सकते हैं, लेकिन उसके बाद हमें सारा सफ़र पैदल ही करना है। ये हमारा ट्रैक है 16 किलोमीटर का। आइए चलो चलते हैं इस सफ़र पर, सुहाने सफ़र पर। हमें 16 किलोमीटर का ट्रैक करना है और यहाँ पर तुम्हें खाने पीने का सब आइटम मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। सब चीज़ आपको यहाँ से 16 किलोमीटर तक हर चीज़ खाने के लिए मिलेगी जो आपको खाना है। ये थोड़ी मस्ती करते हुए दोस्त तुम्हारे, और ये केदारनाथ से आते ही एक नदी। हमें रास्ते में पड़ा एक वाटरफॉल, एक सबसे पहले हमें यही वाटरफॉल मिला। और यहाँ पर इतना अच्छा पानी था कि लोग यहाँ पर नहा रहे थे, पानी पी रहे थे उसी झरने का। ये वाटरफॉल बहुत ही सुंदर था, बहुत ऊंचा था। और ऐसे ऐसे वाटरफॉल आपको रास्ते में बहुत जगह मिलते रहेंगे जो आप देख सकते हैं। ये वाटरफॉल की खासियत ये है कि यहाँ पर लोग इस पानी को पीते भी हैं, क्योंकि ये इतना शुद्ध पानी है, पहाड़ों का बीच का पानी जिसमें कुछ भी मिलावट नहीं, इसलिए लोग इस पानी को पीते भी हैं। लेकर जाते हैं अपने सफर पे। ये हमारा एक दोस्त पहाड़ पे इसकी ऊंचाई को नापता हुआ। बाद हम चले फिर अपने पैदल सफ़र पे आगे बढ़ते हुए भोलेनाथ का नाम लेकर। इसके बाद हमें एक और आगे वाटरफॉल मिला जो कि इतना ठंडा पानी था, बहुत ठंडा पानी, जिसका लोग यहाँ पर भी पानी को पीते हैं, नहाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, ये देखो हमारे एक दोस्त वाटरफॉल का पानी पीता हुआ। लेकर हरि का नाम हम चले आगे। आगे मिले एक और वाटरफॉल। ऐसे हमें बहुत सारे वाटरफॉल मिले जो बहुत ही सुंदर थे और बहुत ऊंचाई पे भी थे। बहुत सुंदर था सारे वाटरफॉल। ये हम पहुँचे यहाँ पर। ये था एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे जाने के लिए एक पुल। इसी से हम, जब बाढ़ आई थी तो ये पुल टूट गया था, ये दूसरा पुल बनाया है यहाँ से दूसरे पहाड़ पे जाने के लिए, केदारनाथ के लिए। और दोस्तों, अगर आप यहाँ आ रहे हो तो ये तो बहुत ज़रूरी है कि आप रेनकोट लेकर आएँ, क्योंकि यहाँ का मौसम अचानक ही चेंज हो जाता है। इसलिए पहले से ही तैयार होकर आएँ, सारी चीज़ें अपनी, रेनकोट, अम्ब्रेला, ये सब चीज़ों की पहली व्यवस्था कर लें। और एक्स्ट्रा कपड़े ज़रूर लेकर आएँ, क्योंकि बारिश कभी भी हो सकती है। इसके बाद हमारे यहाँ से केदारनाथ 2.5 किलोमीटर रह गया था, और जो हमने बहुत आसानी से पार कर लिया। और हम पहुँचे थे यहाँ पर रात में। तो ये रहा हमारा रात का केदारनाथ व्यू, लेकिन हमें दर्शन अच्छे तरह से करने थे, इसलिए हम वहाँ पर रुके बेस कैंप में। वहाँ पर कैंपिंग भी मिलती है रात को, जो कि 800 रुपये पर बंदा है। और हम रात को हम वहीं रुके। उसके बाद हम निकले सुबह केदारनाथ दर्शन के लिए। ये देखिए सुबह के दर्शन जो हमने भी किए वहाँ पर केदारनाथ में। दोस्तों, जिंदगी में कभी भी आना
केदारनाथ बिल्कुल आना, यही स्वर्ग है। आपको यहाँ पर आना बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपने केदारनाथ के दर्शन नहीं किए तो आपने लाइफ में कुछ नहीं किया। कृपया करके केदारनाथ जरूर आएँ।